हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल लॉ का द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। इस टॉपिक में इस आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को कैसे सेटल किया जाता है और ये इंटरनेशनल लॉ के अंडर आता है। तो हम देखते हैं कि ये सिलेबस पर कौन सी जगह में दिया गया है। सिलेबस में ये इंटरनेशनल लॉ के पांचवें नंबर पे द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, उसमें नेगोशिएशन, मीडिएशन एंड गुड ऑफिसेस है, इंक्वायरी, सेटलमेंट बाय द यूनाइटेड नेशंस, कंसीलिएशन, आर्बिट्रेशन, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इनको सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो हम इनको वन बाय वन इसमें देखेंगे। और जहां तक रही बात क्वेश्चन की, तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन ये है कि इसमें सीधे सीधे पूछा जाता है, ठीक है, इसमें कोई खास घुमा फिरा के नहीं आता। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज को जो है वो टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो जस्ट नेगोशिएशन के बारे में पूछ सकते हैं या जस्ट मीडिएशन के बारे में, या इनमें से वो किसी एक के ऊपर पूछ सकते हैं, जैसे कि आईसीजे के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, खासकर। तो इसमें इनमें से जो है ना ये अलग से भी आ सकते हैं। तो देखते हैं इसमें जो है, हम सबसे पहले जो यूएन है उसके बारे में है, द मेन पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल राइट्स। इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ यूएनओ नो इज टू सेटल डिस्प्यूट्स ऑफ द स्टेट बाय पीसफुल मेथड्स। इट इज कॉमन दैट द जनरली डिस्प्यूट आर अराइज अमंग द नेशंस। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली उसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है कि यूएनओ का जो मकसद है वो यही है कि डिस्प्यूट्स को सेटल कराना और उनको पीसफुली सेटल करना, क्योंकि ये कॉमन बात है कि लाजमी बात है नेशंस में डिस्प्यूट्स तो होंगे। उसके बारे में यूएन चार्टर का आर्टिकल नंबर 2 का सब क्लॉज 3 कहता है कि ऑल मेंबर शल सेटल देयर डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स इन सच अ मैनर दैट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड जस्टिस आर नॉट इंडेंजर्ड। आर्टिकल 3-2 का सब क्लास 3 ये कहता है कि तमाम जो मेंबर्स हैं, यानी कि इस टाइम जो यूएन के 193 मेंबर्स हैं, वो अपने जो डिस्प्यूट्स हैं वो पीसफुल तरीके से सेटल करेंगे और सिक्योरिटी और पीस को ब्रीच नहीं करेंगे, इंसाफ के खिलाफ नहीं जाएंगे, इन चीजों को खतरे में नहीं डाला जाएगा, पीस, सिक्योरिटी एंड जस्टिस। तो इस तरह जो है वो मसाइल हल किए जाएंगे जिनको पीसफुल कहते हैं, पीसफुल मींस ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट कहा जाता है। अब डिस्प्यूट बेसिकली, इसमें से जो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये भी होती है कि डिस्प्यूट क्या होता है। अक्सर हम मतलब देखें ना, दो लोग अगर आपस में लड़ रहे हैं तो इट डजंट मीन कि वो डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट जो है इंटरनेशनल लॉ में उसके चंद जो है वो क्राइटेरिया दिए गए हैं। तो इंटरनेशनल लॉ में जो डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट ये होता है कि सबसे पहले वो दो स्टेट्स के बीच हो। उसके अलावा अ रॉन्ग डन टू अ नेशनल ऑफ वन स्टेट इट डजंट बिकम एन इंटरनेशनल डिस्प्यूट अंटिल इट इज टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द इंजर्ड नेशनल। दूसरे नंबर पे एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट ये नहीं है कि कोई भी इंडिविजुअल किसी के साथ लड़ रहा है तो उसका वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट बन गया। वो डिस्प्यूट तब डिस्प्यूट बनता है जब उससे कंसर्न गवर्नमेंट उसको आईसीजे में लेके जाती है, तभी वो एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट बनता है। तीसरे नंबर पे है, द डिस्प्यूट मस्ट लीड टू सम एक्शंस बाय द एग्राइव्ड स्टेट, कि उसमें कोई ऐसा एक्शन होना चाहिए जो एग्राइव्ड स्टेट है उसमें कोई ऐसा एक्ट हो, जस्ट मतलब प्रीएम्प्टिव या इस तरह की कोई चीज में आप नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आपको कहीं थ्रेट फील हो रहा है तो उसमें जो है, और किसी चीज पे अगर आपका डिस्प्यूट है तो उसमें कर सकते हैं। जस्ट जो है ना, एजम्पशन की बेस पर आप किसी भी मसले को डिस्प्यूट नहीं कह सकते हो। चौथे नंबर पे है, द डिस्प्यूट मस्ट रिलेट टू अ रीजनेबल वेल डिफाइंड सब्जेक्ट मैटर। एक वेल डिफाइंड सब्जेक्ट मैटर हो, कहीं ऐसा ना हो कि डिस्प्यूट करने वालों को ही पता ना हो कि हमारे बीच डिस्प्यूट है क्या। तो ये बेसिकली वेल डिफाइंड हो। तो ये चार क्राइटेरिया अगर कोई भी डिस्प्यूट फुलफिल करता है तभी उस डिस्प्यूट को इंटरनेशनल लॉ डील करेगा। उसके बाद इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 6 पारा 6 ऑफ द स्टैट्यू, वो कहता है कि इन द इवेंट ऑफ अ डिस्प्यूट एज टू वेदर द कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन द मैटर शैल बी सेटल्ड बाय द डिसीजन ऑफ द कोर्ट।
आर्टिकल 36 का पारा 6 ये कहता है कि वो इश्यूज जिन पे आईसीजे जोरिसडिक्शन रखता है, तो वो जो इश्यूज हैं वो आईसीजे ही डील करेगा। ठीक है, तो ये भी एक है कि ऐसा नहीं है कि आप जो है अब कोई इशू है वो आईसीजे के अंदर आता है, आप उसे जो है नेगोशिएशन के जरिए हल कर रहे हैं, आप उसे जो है मीडिएशन के जरिए। अगर कोई इशू आईसीजे की जोरिसडिक्शन में है, दैट इज दैट विल बी डेल्ट विद द हेल्प ऑफ आईसीजे। तो इसमें ये बात जो है वो मेंशन की गई है। अब हम बात करते हैं मेथड्स की। पीसफुल मींस ऑफ सेटल दैट इज इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। अब पहले नंबर पे हम देखेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड्स, यानी कि जुडिशियल से एक्स्ट्रा नेगोशिएशन। ये फर्स्ट और सिंपल मेथड है पीसफुल सेटलमेंट का जो कॉमें करती है। इट इज कॉमन फॉर्म ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। व्हेन डिस्प्यूट्स स्टेट्स settle their dispute themselves by discussion or by adjusting their difference by the procedure is called negotiation. जब आप कोई issue discussion या adjustment के जरिए कोई भी बातचीत कर कर अगर आप उस मसले को हल करते हैं तो वो negotiation कहलाता है। In the negotiation method, problem is solved by mutual consent of the state. इसमें mutual consent होती है, आपका जिसके साथ dispute है वो भी agree हो जाता है और आप भी agree हो जाते हैं, तो वो मसला हल हो जाता है। जनरली नेगोशिएशन जो है वो हेड ऑफ द स्टेट या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट वो किया करते हैं नेगोशिएशन। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान ने अपना जो सेटल था, अपना शिमला कॉन्फ्रेंस थी 1972 की, वो एक बेस्ट एग्जांपल है नेगोशिएशन की। उसके अलावा दूसरी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इंडिया और श्रीलंका ने अपना मसला बाउंड्री डिस्प्यूट का नेगोशिएशन के जरिए 1974 में हल किया था। उसके बाद हमारे पास आती है मीडिएशन। मीडिएशन एक मेथड है जिसमें थर्ड पार्टी आइदर एट इट्स ऑन इनिशिएटिव और एट द रिक्वेस्ट ऑफ डिस्प्यूटेंट पार्टीज फॉर द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स। मीडिएशन जो है वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू भी हो सकती है। ठीक है, इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। उसमें नेगोशिएशन में तो वो खुद जो है वो हेड ऑफ स्टेट बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, इसमें एक तीसरा बंदा आता है वो मीडिएशन का रोल प्ले करता है, मीडिएटर बनता है उसमें। मीडिएशन नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर होती है। इम्पार्शियल और न्यूट्रल थर्ड पार्टी यानी जिसको मीडिएटर कहते हैं तो वो बुलाया जाता है, वो हेल्प करता है कि भाई आप लोग एक सेटिस्फैक्ट्री एग्रीमेंट पे पहुंचो, यानी कि वो आप स्टेप फॉलो करो जिसमें दोनों का फायदा है। इसकी एग्जांपल आपके पास है ताशकंद एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो 1965 और 66 में हुआ था, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद है कंसीलिएशन। यूनाइटेड नेशन चार्टर हैज मेंशन्ड कंसीलिएशन एज अ मेथड ऑफ पॉलिटिकल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। इट इज प्रोसेस ऑफ formal proposals of settlement after an investment of the facts in the coalition parties are not bound to accept conciliation. इसमें United Nations का जो charter है वो इसको mention करता है कि ये एक political method है। इसमें formal proposals दिए जाते हैं कि भाई ये भी आपके पास option है, आप इस मसले को इस तरह भी हल कर सकते हैं, इस तरह भी हल कर सकते हैं, लेकिन वो just proposal होते हैं, they are not bound to accept it. Conciliation sometimes used interchangeably with mediation. ये कभी कभार interchangeably भी use होता है, लेकिन जो conciliation है वो बहुत ज्यादा structured होता है। Mediation इतना structured नहीं होता। Mediation में discussion चल रही है, formal solution, informal solution, जो भी solutions दे रहे हैं वो अपनी जगह पे दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना basically experts होते हैं तो वो अपनी एक राय देते हैं, तो वो राय जो है वो बहुत ज्यादा एक organized और जो है हालात की मद्देनजर इसमें ज्यादा फोकस किया जाता है। गुड ऑफिसेस। व्हेन पार्टीज रिफ्यूज टू नेगोशिएट और व्हेन दे फेल टू नेगोशिएट दे मे टेक असिस्टेंस ऑफ अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मे बी अपॉइंटेड बाय द पार्टीज देमसेल्फ और बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। एक थर्ड पार्टी आकर इसमें मीडिएशन गुड ऑफिस प्रोवाइड करती है। वो गुड जो ऑफिस है वो आप खुद भी ले सकते हैं और आईसीजे भी आपको गुड ऑफिस दे सकता है। तो थर्ड पार्टी जो है वो कोई स्टेट भी हो सकती है, वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। द टर्म गुड ऑफिस कनोट्स द ब्रिंगिंग
about the conflicting parties together and counseling of advice or suggesting of a settlement without participating in the negotiation. इसमें negotiation हो रही होती है, लेकिन जो counseling कर रहा होता है, जो advice दे रहा होता है, वो एक good office third party दे रही होती है. भाई इसका ये हल है, ये हल है, ये हल है, फिर उस पर डिस्कशंस कर रहे होते हैं. ठीक है, कंसीलिएशन में तो बस सजेशंस दी जाती हैं कि भाई ये भी कर लो, ये भी कर लो. इसमें क्या होता है कि फिर उनको सजेशन दी जाती है, फिर उसमें वो नेगोशिएशन करते हैं. सच सजेशंस और एडवाइसेस मे बी डिसरिगार्डेड बाय अ पार्टी विदाउट एनी ब्रीच ऑफ लॉ. ये जो नेगोशिएशन, ये जो एक गुड ऑफिस जो सजेशंस देता है, वो नेग्लेक्ट भी की जा सकती है. अगर हम इसकी एग्जाम्पल दें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके मिस्टर विल्सन ने अपना गुड ऑफिस किया था टू रीच एन एग्रीमेंट ऑफ रेफर कच इशू टू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. तो इसमें जो है ना रन ऑफ कच में जो है ना रशिया ने, इसमें यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर विल्सन, उसने जो है ना गुड ऑफिस प्रोवाइड किया था. उसके बाद अब तक हमने पढ़े एक्स्ट्रा जुडिशियल सेटलमेंट्स, अब हम पढ़ेंगे जुडिशियल सेटलमेंट्स. व्हेन अ डिस्प्यूट इज सेटल्ड बाय द इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, प्रोसेस इज कॉल्ड जुडिशियल सेटलमेंट. द एक्सप्रेशन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल इज रेलेवेंट. अ ट्रिब्यूनल मे एक्वायर इंटरनेशनल character because of its organization and jurisdiction. At present, the International Court of Justice is most important international tribunal. जब कोई मसला international tribunal के तहत आइला के तहत हल हो तो उसको जो है ना उस process को judicial settlement कहते हैं. इसमें tribunal का use होता है. अब ये जो है वो international tribunal जो है वो most relevant है. एक ट्रिब्यूनल जो है वो बेसिकली इस टाइम जो हमारे पास मौजूद है वो आईसीजे ही है. उसके बाद है आर्बिट्रेशन, ये भी जुडिशियल में आता है. अब व्हेन डिस्प्यूट ऑफ टू नेशन इज रेफर्ड टू एन आर्बिट्रेटेड व्हेन दे अपॉइंट विद देयर म्यूचुअल कंसेंट. एक आर्बिट्रेटर का दिए बनाया जाता है और वो फिर म्यूचुअल कंसेंट से बनाया जाता है. आर्बिट्रेशन अ फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन is a way to resolve disputes outside the courts. The dispute will be ये basically देखे tribunal में क्या हो रहा था कि वो court के अंदर हल हो रहा था, लेकिन ये court के बाहर हल हो रहा है, लेकिन arbitration हो रही है. इसमें procedure सारा वही court वाला ही follow हो रहा है, बस ये सिर्फ court नहीं है. ठीक है, the dispute will be decided by one or more persons which render the arbitration award. Award कहते हैं मतलब फैसला आने को. An arbitration award is legally binding on both sides and enforceable in the courts. Arbitration award जो है वो legally binding है. अब जो हम judicial पढ़ रहे हैं वो हम binding पढ़ रहे हैं. तो इसमें ये जो एक method है arbitration का, ये binding है. उसके बाद ICJ है. The court differ from arbitration on many grounds. Firstly, that it is a permanent court and it is governed by a statute. इसका एक अपना statute है और ये एक permanent court है. Secondly, the judges are not appointed by the parties, unlike arbitrator. Arbitrator में क्या होता है कि आप अपनी पसंद का arbitrator रख सकते हैं, जबकि इसमें क्या होता है कि आप अपनी पसंद का नहीं रखते हो. जो ICJ के judges हैं, बस वही ICJ के judges हैं. Thirdly, court being a permanent court performs a number of functions which arbitration do not perform, like receiving documents for filing and recording. ये भी एक difference है. Fourthly, the court performs all those functions. Fourthly, the court is open to all states. उसके अलावा court जो है वो तमाम states के लिए खुला हुआ है. Arbitration सिर्फ तभी होता है जब कोई उनको बुलाया जाता है, लेकिन ये जो आईसीजे है ये सब के लिए ओपन होता है. उसके बाद कोर्सिव मींस ऑफ सेटलमेंट द इंटरनेशनल डिस्प्यूट. कोर्सिव मींस फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आर नॉन पीसफुल मेथड. सच मेजर्स इन्वॉल्व अ प्रेशर आर फोर्स ऑन अ स्टेट टू सेटल द डिस्प्यूट. हाउएवर द यूज ऑफ कंपल्सिव मेजर्स डज नॉट मीन द यूज ऑफ फोर्स
use of armed force in all the cases. Normally, they include the measures which are just predecessors to war, a shot of war. तो ये बेसिकली coercive measures होते हैं. अब coercive measures में से सबसे पहले आता है retortion. Retortion is a technical term for retaliation. Basically, जब आप retaliation करते हो, तो आप retortion करते हो. It is based to some extent on the principle of tit for tat. जैसा करोगे वैसा भरोगे. When an act is done by a state similar to that done earlier by another state. जब आप भी किसी के साथ उसी तरह पेश आते हो जिस तरह अगली स्टेट ने आपके साथ किया है, तो इसमें रिटॉर्शन होती है. रिटॉर्शन का पर्पस रिटेलिएशन होता है, यानी इंतकामी कार्रवाई लेना होता है. रिटॉर्शन आर एम्प्लॉयड एज मींस टू सेटल द डिस्प्यूट मे बी न्यूमेरस. बहुत सारे इश्यूज इसके जरिए हल किए जा सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, इफ द सिटीजंस ऑफ अ स्टेट आर गिवन अनफेयर ट्रीटमेंट इन एन अदर स्टेट थ्रू रिगोरस पासपोर्ट रेगुलेशंस. अब रिटॉर्शन में क्या होता है, अगर हम उसकी मिसाल की बात करें, तो वो ये है कि एक कंट्री जो है वो पासपोर्ट देने में दूसरी कंट्री को तंग करती है, तो दूसरी कंट्री फिर उसका रिएक्शन क्या देती है कि वो भी उल्टा से उसको जो है ना रूल अपनी सख्त कर देती है. जिस तरह हमारे अगर इसकी मिसाल देखें तो ये जो ट्रेड वार है चाइना और इसकी अमेरिका की, तो वो बेसिकली एक किस्म की रिटॉर्शन ही है. The former may also make similar rigorous rules in respect of the citizens of the latter state. तो वही रूल बना जा सकते हैं पासपोर्ट के लिए. उसके बाद है embargo. Embargo एक Spanish origin है. इसका मतलब है detention, माने रोकना. But in international law, it has the technical meaning of detention. Ships in port. लेकिन अगर हम international law में इसकी technicality से इसको देखें, तो इसका मतलब होता है कि शिप्स को पोर्ट में रोकना. When a state confines the operation of the embargo to its own vessels, it is known as the civil or pacific embargo. कोई स्टेट जब कन्फाइन करती है ऑपरेशन ऑफ द एम्बार्गो को अपने vessels को, इट इज नाउन एज अ सिविल पैसिफिक एम्बार्गो. द पर्पस इज टू एक्सर्ट फाइनेंशियल और इकोनॉमिक प्रेशर ऑन द अदर स्टेट. सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक प्रेशर देना जो है ना इसका मकसद होता है. एम्बार्गो एट प्रेजेंट मे बी अप्लाइड बाय अ स्टेट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली अंडर द अथॉरिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. इफ एन एम्बार्गो इज अप्लाइड बाय अ स्टेट, इट शुड नॉट इंडेंजर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. इफ इट डज सो, इट वुड बिकम इलीगल. अगर कोई एम्बार्गो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो एम्बार्गो इलीगल है. द कलेक्टिव एम्बार्गो मे बी अप्लाइड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल अगेंस्ट अ डेलिंक्वेंट स्टेट. तो जो कलेक्टिव एम्बार्गो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर भी लगाया जा सकता है अगेंस्ट अ डेलिंक्वेंट स्टेट. उसके बाद हमारे पास आता है ब्लॉकेट. व्हेन द कॉस्ट ऑफ अ स्टेट इज ब्लॉक्ड बाय एन अदर स्टेट for the purpose of preventing ingress and egress of vessels of all nations by the use of warships and other means in order to exercise economic and political pressure on that state, the act is called blockade. अगर कोई vessels रोक लिए जाते हैं तो इसको blockade कहते हैं. When applied during peace time, it is known as पैसिफिक ब्लॉकेट. अगर ये पीस टाइम में हो रहे हैं, पीस है, फिर भी आप ब्लॉकेट कर रहे हो, तो ये पीस पैसिफिक ब्लॉकेट है. उसके बाद इंटरवेंशन. ये एक दूसरा कंपल्सिव मींस है सेटलिंग डिस्प्यूट्स का बिटवीन स्टेट्स शॉर्ट ऑफ वॉर है. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ओपनहाइम, इट इज द डिक्टेटोरियल इंटरफेरेंस बाय अ स्टेट इन द अफेयर्स ऑफ अनदर स्टेट for the purpose of maintaining or altering the actual condition of things. ये basically जो professor Oppenheim है उसके मुताबिक ये basically एक dictatorial interference है. ये जो आप intervention करते हैं ये dictatorial interference है. तो ये हमारा जो था वो last coercive mean था. I hope आपको कुछ सीखने को मिला हो. Thank you.